हेलो दोस्तों, ये पहले आप वॉक थ्रू एंजॉय करिए। इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट जो है क्लाइंट का 22 फीट है। इसमें आपको 3 बेडरूम मिलता है। ये राउंड शेप में बहुत ही खूबसूरत तरीके से मकान को डिजाइन किया गया है। कलर हमने पिंक कलर ही डिजाइन किया है। ऊपर आप रेलिंग वगैरह देख सकते हैं, इस तरीके से रेलिंग वगैरह का डिजाइन है। ये ग्रिल रेलिंग की आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी ये आपको मकान कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई नक्शा बनवाना है तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो पेड सर्विस है, आप जो भी पेड यूजर हैं वही कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि फ्री में प्लान बनाना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप उस चीज़ को समझें। तो ये पूरा प्लान है वॉक थ्रू, आप चलते हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो आपको समझाते हैं। ठीक है, तो अब डिटेल्ड वीडियो की बात करें तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट में जो फ्रंट है क्लाइंट का 22 फीट है, और टोटल जो लेंथ है इसको हम आपको यहाँ पे साइज में करके दिखा देते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप देख सकते हैं 22x50 में आपका टोटल मकान बना हुआ है क्लाइंट का। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये हिस्सा जो है इसको मैं यहाँ पे साइज में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपका 4 फीट आगे है, ये 4 फीट आगे है ये कमरे से, तभी ये लुक आपका आ पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम्स की बात करें तो ये फ्रंट में आपके राउंड कॉलम दिए गए हैं, और ये छोटा सा बरामदा है ऊपर, इसमें आप देख सकते हैं बरामदे में ये पूरा पीओपी का डिज़ाइन। आप इसको पीओपी से बना सकते हैं, और लाइट के चारों साइड भी आपको पीओपी का डिज़ाइन इस तरीके से मिल जाएगा। स्लैब में देख सकते हैं ये आपका पीओपी का डिज़ाइन है, जिसमें आपकी स्लैब इस तरीके से आपको 1-2-3 इंच कॉर्निस का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। और बाकी ये विंडो का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, छज्जा जो है 1-2 इंच आपका आगे रहेगा, और ये पूरा ग्रिल का यूजेज यहाँ पे किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये इस तरीके से एलिवेशन है। अब गुमटी की बात करें तो ये आपका गुमटी हो गया, ममटी हो गया, इस तरीके से चारों साइड एक फिट छज्जा देकर के गुमटी को डिजाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जाल रख करके, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये आपको जाल इस तरीके से आंगन के तरीके से यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये एलिवेशन हो गया। अब अंदर की बात करें तो इसकी स्लैब को हटाएंगे और आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप एंट्री करेंगे तो ये आपको बरामदा मिलता है। बरामदे का जो साइज़ है 10 फीट 8 इंच चौड़ाई है, 8 फीट 10 इंच इसकी लंबाई है। इसी बरामदे से एक दरवाज़ा दे दिया गया ताकि इस गेस्ट रूम में आप एंट्री कर सकें, एक आपका गेस्ट रूम हो जाएगा। इस गेस्ट रूम का जो साइज़ है 10 फीट 2 इंच चौड़ाई जो है 10 फीट 2 इंच, 13 फीट 9 इंच इसकी लंबाई है। इसके बाद यहाँ पे आपको मेन गेट से एंट्री करेंगे तो यहीं पे आपको आपको इस तरीके से सीढ़ी मिलेगा। सीढ़ी को भी एक बार समझा देता हूँ, ऊँचाई आप 7.5 इंची रखिए, थ्रेड जो है 9.5 इंची रखिए, तब जा करके आपका एडजस्ट हो पाएगा, इस तरीके से सीढ़ी आपका रहेगा दोस्तों। इसका मैं साइजेस भी अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद ये आपको हॉल एरिया इस तरीके से मिल जाएगा। इस साइड की बात करें तो ये आपको बाथरूम मिलेगा, और ये आपको टॉयलेट मिल जाएगा। टॉयलेट यहाँ पे देने से फ़ायदा यह है कि यहाँ से आपका टॉयलेट का जो भी स्मेल वगैरह होगी यहाँ से वेंटिलेट हो जाएगी, क्योंकि इस जगह पर आपका जाल रखा है दोस्तों। ठीक है, और इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपका किचन है, किचन का एक विंडो यहाँ पे इस साइड में रहेगा दोस्तों। ठीक है, पीछे आपको 2 बेडरूम इस साइड से आपको मिलते हैं दोस्तों। अभी इस टॉयलेट बाथरूम का जो साइज़ है 4x5 का है, टॉयलेट का जो साइज़ है 4x5 का है, हॉल इस तरीके से रहेगा। किचन का जो साइज़ रखा गया है आपका, किचन का साइज़ आपको 5 फिट 8 इंच 5 फिट 8 इंच चौड़ाई, 8 फिट लंबाई है। पीछे 2 बेडरूम है, इस बेडरूम का जो साइज़ है 10 फिट 2 इंच चौड़ाई में है और 13 फिट है। इस बेडरूम का जो साइज़ है 9 फिट 10 इंच 13 फिट का आपका साइज़ रहेगा। ठीक है, हॉल का साइज़ की बात करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 8 फीट चौड़ाई और 15 फीट 1 इंच इसकी लंबाई है दोस्तों। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान है, और फर्स्ट फ्लोर जब इस पर आप रख देंगे तो आपको कुछ इस तरीके से कंप्लीट आपको दिखेगा दोस्तों। तो ये था पूरा प्लान का डिटेल्ड वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कोई नक्शा बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं, नंबर मैंने शुरुआत में ही दिया है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और अपने हिसाब से आप अपने कस्टमाइज कोई प्लान आपको बनवाना है तो आप हमसे बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लोग, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।